नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे स्टील एक्सचेंज के शेयर के रिजल्ट्स के बारे में। दोस्तों काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया है, तो क्या रिजल्ट रहे आउटकम, उस पर हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। इससे पहले दोस्तों, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है द ट्रेडिंग गुरुज के नाम से। चलिए दोस्तों, स्टील एक्सचेंज के रिजल्ट की तरफ डिस्कशन करें और आगे के टारगेट प्राइस क्या होंगे उस पर बताते हैं। दोस्तों डिस्क्लेमर को ध्यान से पढ़ा करें, उसके बाद ही कोई ट्रेड इनिशिएट किया करें। दोस्तों चार्ट चेक बाद में करेंगे, सबसे पहले आज जो स्टील एक्सचेंज के रिजल्ट्स हैं वहां पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जो रेजिग्नेशन हुआ है सीएफओ का, मिस्टर बंदी रमेश कुमार, उसकी जगह पे मिस्टर ए सुरेश बाबू को अपॉइंटमेंट भी कर दिया गया है। वही दोस्तों, अगर हम रिजल्ट पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ चलें, यहां से आप देख सकते हैं रिजल्ट कैसे रहे। ये दोस्तों रिजल्ट की तरफ हम लोग आ चुके हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं टोटल इनकम, सबसे पहले दोस्तों जो पहला पैरामीटर है टोटल इनकम फ्रॉम ऑपरेशन, वो 3686 यहाँ पे देखिए 37340 की फिगर रही है, जो कि लास्ट क्वार्टर से देखें तो काफ़ी ज़्यादा जंप इनकम में देखने को मिल रहा है। वही दोस्तों लास्ट ईयर से भी देखें तब भी 10% के आसपास का जंप है। तो ओवरऑल दोस्तों रिजल्ट, पहला पैरामीटर जो टोटल इनकम था उस पर खरा उतर रहा है। अब अगर हम दोस्तों देखें टोटल एक्सपेंसेस, तो वो भी दोस्तों 36292 के रहे। तो अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस की बात करें तो 1048 की फिगर रही, जो कि लास्ट क्वार्टर और लास्ट ईयर से थोड़ी सी कमजोर। लेकिन दोस्तों टैक्स एक्सपेंसेस जो डिफर्ड टैक्सेस थे वो काफ़ी ज़्यादा थे, तो इनको रिबेट मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो नेट प्रॉफिट जो है ओवरऑल 11247 की निकल के आ रही है, जो कि लास्ट क्वार्टर और लास्ट ईयर से काफ़ी अच्छी है। और यहां से आप देख सकते हैं ये, और यहां से आप देख सकते हैं कि इनके जो अर्निंग पर शेयर वो भी इंप्रूव हो रहे हैं। तो 12.96 हो चुके हैं लास्ट क्वार्टर, जो कि 1.41 और लास्ट ईयर 4.15 के थे। अब अगर हम चार्ट पे चेक करें तो चार्ट पे दोस्तों इनका जो सपोर्ट है वो लगभग 199 के आसपास है, और अगर आप मेजर सपोर्ट की बात करेंगे तो 180 के आसपास है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो 180 का स्टॉप लॉस लगा लें, और अपसाइड दोस्तों 260 to 300 के टारगेट। वहीं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तो 200 का स्टॉप लॉस लगाएं और 230 के टारगेट को हम लोग प्ले आउट कर सकते हैं। ये तो दोस्तों एनालिसिस, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। हमारे टेलीग्राम, ट्विटर और फेसबुक जरूर जुड़े। थैंक यू दोस्तों।